नाम इमाम उस्मान पठान है, मैं रहने को 70 फुट को है, घर के करीब में मेडिकल है श्रेया मेडिकल। मेडिकल में टैबलेट लेने के वास्ते गया था, मेरे डस्ट से एलर्जी है, टैबलेट लेने के वास्ते गया था। जो आजू बाजू के मेडिकल में है 1 रुपया 2 रुपया ऐसा डिफरेंस है, कम ज़्यादा रेट है, तो इसके पास रेट ज़्यादा लगा को बेच रहा। मैं पूछा पापा कई को, मेरे पास इतने को जो रेट है। सडनली गाली गलौज पे आया, बाहर आया, लड़कों को लेके आया, सीधा मारना शुरू करा, ना देखने दिया, गर्दन के पीछे नस भी मारे लाए, इधर मारे लाए, आग तो दिख रहा है तुम्हारे को, पूरा मुँह फोड़े लाए, हाथ को मारे लाए, गुंडी खोल के भी दिखा सकता हूँ तुम्हारे को, और तो ऊपर हाथा पर मारे ले मेरे को। उसके कामगार पूरे हाथा, मेरे वर्कर, उसके वर्कर पूरे हाथ पकड़े, फिर 4 से 5 थे उसके दोस्त का बड़ा भाई और उन्हीं और 2 कामगार थे, ना हक बे मतलब मारे। और मेरे पास बिल भी है, जहाँ से मैं टैबलेट लाया वो वही गोली का रेट है, वहाँ से 3-4 रुपये का फ़र्क है गोली का रेट। हो तो इन ज़्यादा लगा को पब्लिक को भी लूट रहा, मेरे को भी लूट रहा, बोलने पर डायरेक्ट गाली गलौज करा, मेरे को मारना शुरू करा, मेरे को मेडिकल के बाहर आ को ना, मैं काउंटर पर से उसको गच्छी पकड़ा, खींचा था नहीं करा ना कुछ, हाथ लगाया उसको, मैं उन आगे सीधा मारना शुरू करा मेरे को। और ऐसी कंडीशन में मेरे को सिविल को गया मैं डायरेक्ट ट्रीटमेंट के वास्ते, मेरे भाई ले को गए मेरे को। फिर वहाँ से जाने के बाद इसको सदर बाजार को गए सीपी ऑफिस को, फिर वहाँ पर भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला मेरे को। अभी तो खुला घूम रहे हो, तो मेरे को न्याय मिलेगा या क्या होएगा?